नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर योगेंद्र सिंह ने कहा कि देश का यूथ, देश का नौजवान ही देश की ताकत है। उक्त बातें मेजर योगेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के सुजानगंज के पड़वम स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि सबकी नजर से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रति सकारात्मक सोच रखे तो अपने आप कार्यशैली बदल जाएगी। हमारे समाज के लोग यूथ को मार्गदर्शन दे। मेजर ने कहा कि सिर्फ वर्दी पहनने के बाद ही देशभक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं। देशभक्ति हर सेक्टर से हो सकती है, चाहे वो पत्रकारिता हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी सेक्टर हो, हर क्षेत्र से देशभक्ति हो सकती है, सिर्फ सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, राष्ट्र को प्रथम रखकर कार्य करें। एक सोच के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, सुपर होगा। योगेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा सैनिक अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को सच्चे निष्ठा के साथ, अपने देशभक्ति के साथ व्यवहार करता है। उसी कर्तव्य के लिए अपने आप को, अपने देश, अपने मिट्टी के लिए, अपने देशवासियों के लिए समर्पित कर देता है। मेजर ने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के ऊपर मेरे साथ 6 साथी एक के बाद एक उनकी शहादत को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। जिंदगी और मौत के उस लम्हों को जीकर आज मैं यहां पर हूं। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के अंदर वो कर्तव्य निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति एक भक्ति है, साथियों के प्रति उनका समर्थन है और देश के प्रति मान और सम्मान है। उस निष्ठा को वो बनाए रखता है और उसके लिए अपने आप को खुशी खुशी अपने लहू का एक एक कतरा उस सरजमी पर न्यौछौर करता चला जाता है। मेजर ने कहा कि ऐसा ही एक जोश जुनून मैं अपने नौजवान यूथ में देखना चाहता हूं, ताकि वो देश के लिए अपने उस जुनून में अपने कार्यों को अंजाम दे और अपने राष्ट्र को सशक्त बनाए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर योगेंद्र सिंह का मुगराबाद, शाहपुर और सुजानगंज में लोगों ने जोरदार स्वागत किया और वंदे मातरम का नारा लगाया। बीरेन कुमार के साथ रामकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। परमवीर चक्र से आप सम्मानित हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और आज देश के नौजवानों की जो स्थिति, उनके लिए एक संदेश मैं चाहता हूं आपके द्वारा। आज आप पड़म स्कूल में आए हुए हैं, आपका प्रमोद कुमार सिंह ने सम्मान किया है। दो शब्द ऐसे नौजवानों के लिए मैं चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से आप कहें। देश के नौजवान साथियों को, युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो यूथ है, जो नौजवान है, वो देश की ताकत है और ये देश की ताकत देश के लिए लगनी चाहिए। और क्योंकि एक देश के प्रति अगर सकारात्मक सोच रखें तो वो अपने आप, उनका जो है जो कार्यशैली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और ये हमारे समाज की भी दायित्व तो बनता है कि समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, वो उस यूथ को गाइड करें और ताकि वो देश के लिए, देश हित में काम करें। ऐसा नहीं है कि फौज में जाने के बाद या वर्दी पहनने के बाद ही हम देशभक्ति कर सकते हैं। देशभक्ति हर सेक्टर से हो सकती है, चाहे हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी ऑल जगह से, हर क्षेत्र से हम देशभक्ति कर सकते हैं। वह सोच हर काम के अंदर राष्ट्र को प्रथम रख करके काम करना चाहिए। जो भी हम काम करें उससे यह होना चाहिए कि इस एक काम से मेरे राष्ट्र और मेरे राष्ट्रवासियों को क्या लाभ होगा, वह मेरे राष्ट्र की नाम कहां तक पहुंचेगा। अगर हम इस सोच के साथ कोई भी काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, समृद्ध होगा और सुपर पावर होगा। सर, एक चीज ये कहना चाहते हैं, जहां का हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं न कहीं हमारे देश पर, जो देश की सीमा पर प्रहरी है, जो देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, वो विश्व गुरु को बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी देना चाहता हूं और कारगिल जैसी व्यवस्था को विजय के रूप में जो आप लोगों ने दिया, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा 2 शब्द उसका अनुभव आप शेयर करेंगे उस कारगिल को लेकर। देखिए, हमारा जो सैनिक है, सैनिक अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज को सच्ची निष्ठा के साथ, अपने देशभक्ति के साथ निर्वाह करता है और उसी कर्तव्य के लिए अपने आप को, अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देशवासियों के लिए समर्पित कर देता है। और ये मैंने देखा है 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के ऊपर मेरे साथ 6 साथी एक के बाद एक जी
उनको उनकी शहादत को मैंने देखा है, जिंदगी और मौत के उस लम्हों को जी करके मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा कि हर एक सैनिक के अंदर वो कर्तव्य निष्ठा है, वो कर्तव्य प्रेम है, राष्ट्र के प्रति भक्ति है, साथियों के प्रति उसका समर्पण है और देश के प्रति मान सम्मान और उस निष्ठा को वो बनाए रखता है और उसके लिए अपने को खुशी खुशी अपने लहू का एक एक कतरा उस सरजमी के ऊपर अपने नौछावर करता चला जाता है। ऐसा ही एक जोश एक जुनून मैं अपने नौजवान साथियों में यूथ में वो देखना चाहता हूँ ताकि वो देश के लिए अपने उस जुनून में अपने कार्य अंजाम दें और राष्ट्र को सशक्त बनाए। इस सीमा पर प्रहरी बनकर के अपने जीवन और मौत की लड़ाई लड़ते हैं। आज ऐसे नौजवान को परमवीर चक्र से सम्मानित किया है कि राष्ट्रपति ने किया और आज कहीं न कहीं वाकई में देश अगर विश्व गुरु के ऊपर आगे बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं उस सीमा पर ऐसे नौजवान जो जिंदगी और मौत से जूझ करके देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। और उन्होंने कहा कि वाकई में हर एक व्यक्ति आर्मी है, हर एक आदमी मिलिट्री है, अगर वो अपनी सच्ची सेवा देश के लिए, फिर वो चाहे सीमा पर रहने वाला हो या फिर समाज में रहने वाला व्यक्ति हो, उसे सच्चे मन से हृदय से सच्ची सेवा इस समाज के लिए सच्चे भाव से इस समाज की सेवा करनी चाहिए ताकि ये साबित हो सके युवा भारत का एक सही प्रहरी है। हमारे विशेष सहयोगी वीरेंद्र कुमार के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, प्रणव स्कूल सुजानगंज से।